राजस्थान में ईडीए 25 થી વધુ જગ્યાઓ પર દરોડા પાડ્યા. દરોડા કથિત જલ જીવન મિશન કૌભાંડમાં મની લોન્ડરિંગ કેસમાં પાડવામાં આવ્યા. તપાસ એજન્સીએ જયપુર અને દોસામાં આ કાર્યવાહી કરી છે. ઈડી દ્વારા જે અધિકારીઓના નિવાસસ્થાન પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા તેમાં પીએચઈ વિભાગના મુખ્ય સચિવ સુબોધ અગ્રવાલના ઘરનો પણ સમાવેશ થાય છે. થોડા દિવસ પહેલા ઈડીએ કથિત પેપરલીક કેસમાં રાજસ્થાન કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ ગોવિંદસિંહ દોતાસરાના પુત્રોને પૂછપરછ માટે સમન્સ મોકલ્યા હતા. वायएसआर तेलंगाणा पार्टी प्रमुख वायएसआर शर्मिला आगामी विधानसभा की चूंटनी नहीं लड़े तना बदले कांग्रेस ने समर्थन आप नक्की कर. आंध्र प्रदेश मुख्य प्रधान वायएस जगनमोहन रेड्डी नानी बहन शर्मिलाए जणाव्यु कि चूंटनी में मतों विभाजन ने अटकाववा माटे तेमणे आ निर्णय लीधो. शर्मिलाए कहूं कि तेमणी पार्टीए बीआरएस भ्रष्ट और जनविरोधी शासन अंत लावा बलिदान आप नक्की कर. केटलाक सर्वेक्षणों और ग्राउंड रिपोर्ट प्रमाण विधानसभा चूंटनी में अमारी भागीदारी घना मत विस्तारों में कांग्रेस वोट शेर पर सीधी असर पड़े. सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशे सुनावणी दरमियान वकीलों ने वारंवार माय लॉर्ड अने योर लॉर्डशिप कहीने संबोध्या पर नाराजगी व्यक्त थी. जस्टिस एएस बोपन्नानी अध्यक्षतावाळी बेंच नियमित मामलानी सुनावणी करी रहा था. आ सुनावणी दरमियान न्यायाधीशे वरिष्ठ वकील ने पूछ्यू कि तमे केटली वार माय लॉर्ड कहशो. जो तमे आम कहेवानुं बंद करशो तो हुं तमने मारो पगारनो अर्धो हिस्सो आपीश. कोर्टमां दलीलो दरमियान वकील हमेशा जजने माय लॉर्ड अथवा तो योर लॉर्डशिप कहीने संबोधे छे. जस्टिस नरसिंह रावे कह्युं कि तमे तेना बदले सर शब्दनो उपयोग केम नथी करता. बिग बॉस विजेता एलविश यादव पर नोएडा में रेव पार्टी में सापना जहर नो उपयोग करवानो आरोप है. हवे आ मामले एक एनजीओ एलविश विरुद्ध एफआईआर दाखिल करी एलविश ने तात्कालिक धरपकड़ करवानी मांग छे. आ विषय बात करता सांसद मेनका गांधीए जणाव्युं एक स्टिंग ऑपरेशन द्वारा आ समग्र मामलो सामे आव्यो. आ स्टिंग मेनका गांधीना एनजीओ साथे जोडायेला लोकोए कर्युं. पोलीसे जाहेर करेली माहिती प्रमाणे आरोपी पासेथी 9 साप मळी आव्या. पोलीसे आरोपी पासेथी 5 कोबरा एक अजगर अने 2 चेहरावाळा अने होलस्टील साप कब्जे कर्या. आ साथे 20 मिलीग्राम झेर पण मळी आव्युं छे. डीएफए ने चाप लगा करके उनको उनके लोगों को पकड़ा है. ये जो बंदा है इसके ऊपर हमारी नज़र बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्म में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है. तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबराज हैं, और इनको लेने के लिए इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सजा है. छत्तीसगढ़ विधानसभा की चूंटनी माटे भाजपे पोतानो मेनिफेस्टो जाहिर कर्यो. आ विषय बात करता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहे जणाव्यु कि प्रदेश में 15 वर्ष माटे भाजपनी सरकार बनी हती त्यारे छत्तीसगढ़ ने बीमारू राज्य में सारू राज्य बनाव्यु हतुं. अमे आगामी 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ में संपूर्ण विकास करीशुं. अमारी सरकारे प्रदेश में नक्सलवाद ने खत्म कर्यो. तेमणे आरोप लगाव्यो कि छत्तीसगढ़ की सरकार जातिवाद और तुष्टिकरण में लिप्त है. भाजपे तेना घोषणापत्र में जणाव्यु दरेक विवाहित महिला ने वार्षिक 1000 रूपया की सहाय कर 500 रूपया गैस सिलिंडर और राज्य में 2.5 लाख आवास बांधवामां आवशे. एक अच्छे राज्य में तब्दील करने वाले 15 साल रहे. अभी 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, अब फिर से चुनाव आया. मुझे मालूम है यहां पर छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन करने जा रही है. मैं छत्तीसगढ़ में घूमा हूं, जनता से संवाद भी किया है. मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से छत्तीसगढ़ की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बीमारू राज्य से हमने छत्तीसगढ़ को अच्छा राज्य बनाया है और ये अच्छे राज्य को संपूर्ण विकसित राज्य बनाने का काम हम आने वाले 5 साल के अंदर करेंगे. छत्तीसगढ़ के कई दुर्गम क्षेत्रों को नक्सलवाद के कहर से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया. एआईएमएम पार्टी प्रमुख अस्तुद्दीन ओवैसीए जणाव्यु तेमनी पार्टी तेलंगाणा विधानसभा की चूंटनी में 9 बैठकों पर पोताना उम्मीदवार उभा करशे. वर्तमान 7 बैठकों उपरांत अन्य 2 बैठकों पर उम्मीदवार उतारवानुं नक्की करवामां आव्युं छे. एआईएमएम
राजेंद्र नगर और जुबिली हिल्स विधानसभा बैठक पर उम्मीदवार उभा करते। कांग्रेस पार्टी जुबिली हिल्स विधानसभा बैठक पर पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन ने टिकट आपी है। ओवैसी ने नाना भाई और विधानसभा अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रियागुट बैठक पर चूंटी लड़से। हैदराबाद सांसद लोगों ने ज्यां पार्टी उम्मीदवार चूंटी लड़े छे त्यां उम्मीदवारों ने पछी अन्य बैठक पर बीआरएस उम्मीदवार ने मत आपवा अपील करी। इस असेंबली तेलंगाना के असेंबली इलेक्शन में हम लोग मौजूदा 7 असेंबली हलकों के साथ साथ राजेंद्र नगर और जुबली हिल पे भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो 9 असेंबली हलके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना के असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जणाव्यु कंटेंट क्रिएटर सारी सामग्री बनावा पाछळ घणी मेहनत करे छे, परंतु केटलाक लोको गैरकायदेसर रीते कंटेंट नी उठांतरी करी अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मूके छे। आना कारणे उद्योग ने वार्षिक लगभग 20-25 हजार करोड़ रूपया आर्थिक नुकसान थाय छे। सरकारे संसद में सिनेमेटोग्राफी एमेंडमेंट बिल 2023 पसार करी केटला पगला लीधा बिल हेठळ मंत्रालय सीबीएफसी और अन्य प्रादेशिक कचेरी में नोडल ऑफिसरो ने निमणूक करवामां आवी छे। सरकारे दर 10 वर्षे फिल्म में लाइसेंस रिन्यू करवानी जरूरियात ने दूर करी तेनी आजीवन कार्ड माटे मंजूरी आपी। पायरेसी ना गुना में संडवायेला लोको पर आपने 3 लाख रूपया और उत्पादन में कुल एडिटेड मूल्य की 5% रकम सुधीनो दंड फटकारी शकीए छीए। एडवाइजरी ये भी जारी की गई है कि जो अनावश्यक लोग गाड़ियों से बाहर घूमते हैं, अगर बहुत आवश्यक ना हो तो गाड़ी का प्रयोग कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। अगर कोई कार्य घर से हो सकता है तो वर्क फ्रॉम होम भी अगर प्राइवेट कंपनीज अलाउ करें तो उसको भी कर सकते हैं। स्कूल्स को भी एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर कोई ऑनलाइन मेथड से पढ़ाई करा सकते हो तो उस पर भी विचार करें। तो ये सारे बहुत सारे डायरेक्शंस कल जारी हुए हैं और अगले कुछ दिनों तक अभी ये सारे डायरेक्शंस प्रभावी रहेंगे और हम लोगों को उम्मीद है कि इन डायरेक्शंस के बाद से हमारा जो एयर क्वालिटी है वो सुधार होगा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश रीवा में जाहिरसभा ने संबोधता जणाव्यु कांग्रेस शासन में कोलसा नो घोटाड़ो कॉमनवेल्थ घोटाड़ो 2G स्केम घोटाला थया जयरे पीएम मोदी नेतृत्व वाली सरकारे विकास ने वेग आप्यो। मोदी सरकार शासन में देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा की ऊपर आया। जेपी नड्डाए लोगों ने जाति और प्रदेश आधार नहीं पर रक्षा करे और विकास करे तेने मत आपवानी अपील करी हती। आज में क्या मिला आपको? आपको मिला कोयला घोटाला, आपको मिला ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला, आपको मिला कॉमनवेल्थ घोटाला, आपको मिला 2G स्कैम का घोटाला, आपको मिला आदर्श स्कैम का घोटाला, यानी घोटाले पे घोटाला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में 13.5 करोड़ लोग, भारत के 12% से ज्यादा की आबादी अब गरीबी की रेखा से निकल गई है और ऊपर की रेखा में आ गई है, यह भी हमको ध्यान रखना। तेलंगाना सरकार मंत्री और बीआरएस पार्टी नेता केटी रामारावे जणाव्यु ज्यां सुधी अस्तुदीन ओवैसी राहुल गांधी की तरफेण करे छे त्यां सुधी कांग्रेस तेमनी प्रशंसा करती हती, परंतु हवे तेमने छोड़ीने अमारी साथे आव्या तो कांग्रेस पार्टी ने आ बाबत सारी लागती नथी। राहुल गांधी के पीएम मोदी ने पसंद नथी, कोई अन्य नेता उभरी आवे अने तेमनो सामनो करे। जो केसीआर महाराष्ट्र में चूंटणी लड़वा मांगे छे अथवा अस्तुदीन ओवैसी अन्य कोई राज्य में चूंटणी लड़वा मांगे छे तो आ तेमने गमतुं नथी। आनाथी भाजप और कांग्रेस ने लगे कि तेमनो उम्मीदवारों महत्व घटी जशे, आमा ते बन्ने राजकीय पक्ष अन्य पक्षों पर बी टीम होवानो आरोप लगावे छे। जब तक राहुल गांधी के साथ असदुद्दीन ओवैसी थे, कांग्रेस के साथ थे, बड़े अच्छे लग रहे थे उनको, आज जब उनको छोड़ दिए हमारे साथ आगे तो उनको बुरा लग रहा है। अब सिंपल बात है प्रमोद जी, बात यह है कि ना राहुल गांधी ना मोदी जी दोनों को पसंद है कि कोई और लीडर उभर के आए हिंदुस्तान में उनका मुकाबला करें। अब केसीआर जी अगर महाराष्ट्र जाके लड़ना चाहते हैं या असदुद्दीन ओवैसी जी कहीं जाके लड़ना चाहते हैं अन्य जगह, इनको बिल्कुल ही नापसंद है क्योंकि इनको लगता है कि उनकी पार्टी की प्रोस्पेक्ट या उनके उम्मीदवारों की प्रोस्पेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। दर वर्ष की जेम आ वर्षे शेयर की शुरूआत में राजधानी वायु प्रदूषण ने कारण दिल्ली गैस चेम्बर में फेरवाई, जेना कारण सरकारी तंत्र महत्व निर्णय करता धोरण 5 सुधी प्राथमिक शाला में 2 दिवस की रजा जाहिर करी, जेनो सरकारी और खानगी शालाओं पालन करव पड़े।
બીજી તરફ દિલ્હી મેટ્રોએ 20 એક્સ્ટ્રા ટ્રેન દોડાવવાની છે. ગત 25 ઓક્ટોબરથી તો દિલ્હી મેટ્રોએ પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ વધે તે માટે સોમવારથી શુક્રવાર સુધી 40 એક્સ્ટ્રા ટ્રેન દોડાવી છે. આમ લોકોને પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ પ્રત્યે પ્રોત્સાહિત થાય તે માટે 60 એક્સ્ટ્રા ટ્રેન દોડશે. ये फॉग और ये सारा मैंने आदमी देख ही नहीं सकता है आगे. हम तो जाते हैं पार्क के अंदर एंड हम सैर कर रहे हैं कंटिन्यूसली. वी हैव बीन डूइंग इट फॉर सो मेनी इयर्स. तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आदमी अपना ध्यान करे. और पर एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इस स्मॉग और ये जो पूरे सिचुएशन से बचने के लिए आदमी को रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए. Can I do? I have to come for a walk because of my dog. Precautions, what I take. Normally, I come with a mask. Today, unfortunately, I forgot my mask. I also make it a practice of having, you know, the, as they say, dadi maa ke nuskhe. I have some good, you know, in the morning and evening every day. And as far as possible, I try to avoid the polluting atmosphere. Be indoors, be in a car, be in a, you know, as far as possible, a sanitized environment. ભાજપના સાંસદ મનોજ તિવારીએ જણાવ્યું દિલ્હીમાં પ્રદૂષણના કારણે કેટલાક લોકોને શ્વાસ લેવામાં પણ તકલીફ પડી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં જો બાળકો લાંબા સમય સુધી ઘરની બહાર રહે તો તેમને ફેફસાને પણ કેટલી હદ સુધી નુકસાન થવાની સંભાવના છે. મનોજ તિવારીએ દાવો કર્યો કે દિલ્હીના લોકોનું સરેરાશ આયુષ્ય 12 વર્ષ સુધી ઘટ્યું છે. દિલ્હીમાં છેલ્લા 8-9 વર્ષ દરમિયાન અરવિંદ કેજરીવાલના શાસનના કારણે આ સ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ છે. પ્રદૂષણને ડામવા માટે દિલ્હી સરકારે કોઈ નક્કર પગલાં લીધા નથી. કેજરીવાલ સરકારે માત્ર ભ્રષ્ટાચારમાં સંડોવાયેલી છે અને રાજકીય મહત્વાકાંક્ષા માટે દેશ વિદેશમાં ફરે છે. दिल्ली में सांस लेना भारी पड़ रहा है. बच्चे घर से बाहर निकलें तो उनके फेफड़ों को बड़ा नुकसान होने का खतरा है. सभी की, दिल्ली के सभी लोगों की औसत आयु 12 साल कम हो रही है, जो पिछले 8-9 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को दिया है. और अरविंद केजरीवाल जी को इस पे प्रयास तो छोड़िए, एक बार भी कोई गंभीर कदम उठाने की भी नहीं पड़ी. और वो अपने भ्रष्टाचार के कार्यों में, अपने राजनीतिक जिज्ञासा में पूरे देश दुनिया में घूम रहे हैं. દિલ્હી અને આસપાસના ક્ષેત્રોમાં પ્રદૂષણનું સ્તર વધતા ઘણા લોકોને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. નિષ્ણાતો પ્રમાણે આ સ્થિતિના કારણે ઓપીડીમાં દર્દીઓની સંખ્યામાં 30% સુધીનો વધારો થયો. બીએલકે મેક્સ સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલના શ્વસન રોગોના પ્રિન્સિપલ ડોક્ટર સંદીપ નાયરે જણાવ્યું કે પ્રદૂષણના આ સ્તરને ખતરનાક શ્રેણીમાં માનવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં જો કોઈ વ્યક્તિ બહાર જાય તો તેનો આંખોમાં બળતરા, ગળામાં દુખાવો સહિતની સમસ્યા થઈ શકે છે. જ્યારે ઝેરી હવા શ્વાસ દ્વારા શરીરમાં પ્રવેશે છે તે દરેક અંગને અસર કરે છે. આપણે કામ કરવા માટે બહાર જવું પડશે. આ માટે લોકોએ માસ્ક પહેરવું જોઈએ અને શ્વાસ દાહારના સેવન સાથે પોતાને હાઇડ્રેટ રાખવું જોઈએ. ये एक बहुत ही डेंजरस लेवल है. जब एक आई 400 क्रॉस करने का मतलब है कि एक तरह से गैस चैम्बर है जिसमें हम वॉक कर रहे हैं. आप खुद देखें, अगर बाहर निकलते हैं तो आपकी आंखों में जलन, नाक में पानी, गले में दर्द, ये हर किसी के हो रहा है. और जिनको तकलीफ है, जो ऑलरेडी जिनको सांस की तकलीफ है या हार्ट की तकलीफ है, वो तो नंबर तादाद बढ़ गए हैं, उनके सिम्टम्स बढ़ गए हैं. हमारी ओपीडी एकदम से 20-30% अप शूट कर गई है. अपने आप को कवर करके रखें, फेस कवर करके रखें, मास्क लगा के रखें ताकि ये पोल्यूटेड एरियर यानी प्रदूषित हवा को हम अंदर ना लेके जाएं. एक अपना पौष्टिक आहार जरूर लीजिए. अपना खाना पान, खान पान को जरूर पूरी सावधानी रखें. इनफ वाटर हाइड्रेट भी अपना करके रखें. દિલ્હીનું હૃદય કહેવાતા કનોટ પેલેસમાં આવેલ સ્મોક ટાવર બંધ છે. આ જર્જરિત સ્મોક ટાવર દિલ્હી સરકાર દ્વારા વર્ષ 2021માં લગભગ 20 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે બનાવવામાં આવ્યું હતું. સેન્ટ્રલ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ પ્રમાણે દિલ્હીમાં હવાની ગુણવત્તા ખૂબ જ ખરાબ શ્રેણીમાં છે. આ વિશે વાત કરતા ભાજપના નેતા શહેજાદ પુનાવાલાએ જણાવ્યું કે પ્રદૂષણના કારણે દિલ્હીની સ્થિતિ ગેસ ચેમ્બર જેવી બની ગઈ છે. રાજધાનીમાં કેટલીક જગ્યાઓ પર એક્યુઆઈ 500-700ની વચ્ચે છે, પરંતુ સ્મોક ટાવર બંધ અને કાર્યરત નથી. દિલ્હીમાં પ્રદૂષણને નિયંત્રિત કરવાના પ્રયાસ પર છેલ્લા 8-9 વર્ષથી તાળા લાગી ગયા છે. ये है दिल्ली का स्मॉग टावर, जिस पर 22-23 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने खर्च किए थे और कहा गया था कि ये दिल्ली का स्मॉग टावर जो है वो प्रदूषण को कम करेगा. आज दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है. अलग अलग जगहों पर 700 से ज्यादा भी AQI पहुंच चुका है. जहां पर हम खड़े हैं कनॉट प्लेस में, बाबा खड़क सिंह मार्ग के पास, वहां पर लगभग 550 तक AQI पहुंच चुका है. परंतु दिल्ली के स्मॉग टावर पर ताला लगा हुआ है और ना ये दिल्ली का स्मॉग टावर चल रहा है.
दिवाळी पहला दिल्ली एनसीआर आखा विस्तार धुमाड़ा में है। शुक्रवार एयर क्वालिटी इंडेक्स 464 नोधायो। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम थी लई समग्र दिल्ली एनसीआर सुधी दरेक जगह धुम्मस है। दिल्ली 12 विस्तारों की हवा गुणवत्ता सूचकांक 400 ने पार कर गयो एटले के ते गंभीर स्थिति में हतो। गंभीर वायु प्रदूषण ने कारण दिल्ली एनसीआर में बिनजरूरी बांधकाम पर प्रतिबंध मुकवामां आव्यो। अधिकारी कहवुं छे के स्वास्थ्य माटे खतरो उभी करती तमाम समस्यानो सामनो घणा महत्वपूर्ण पगला लेवामां आव्या छे। केन्द्रनी प्रदूषण नियंत्रण पेनले बिनजरूरी बांधकाम पत्थर तोड़वा अने खाणकाम पर तात्कालिक प्रतिबंध मुकवानी सूचना आपी छे। एडवाइजरी ये भी जारी की गई है कि जो अनावश्यक लोग गाड़ियों से बाहर घूमते हैं, अगर बहुत आवश्यक ना हो तो गाड़ी का प्रयोग कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। अगर कोई कार्य घर से हो सकता है तो वर्क फ्रॉम होम भी अगर प्राइवेट कंपनीज अलाउ करें तो उसको भी कर सकते हैं। स्कूल्स को भी एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर कोई ऑनलाइन मेथड से पढ़ाई करा सकते हो तो उस पर भी विचार करें। तो ये सारे बहुत सारे डायरेक्शंस कल जारी हुए हैं और अगले कुछ दिनों तक अभी ये सारे डायरेक्शंस प्रभावी रहेंगे और हम लोगों को उम्मीद है कि इन डायरेक्शंस के बाद से हमारा जो एयर क्वालिटी है वो सुधार। वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम 2023 संबोधन दरमियान वडाप्रधान मोदी जणाव्यु कि भारत में खाद्य विविधता ए दरेक वैश्विक रोकाणकार माटे एक डिविडेंड समान छे। आपने सस्टेनेबल खाद्य संस्कृति हजारों वर्षनी सफरनुं परिणाम छे। खोराके मात्र अपना शारीरिक स्वास्थ्य ने नहीं परंतु मानसिक स्वास्थ्य ने पण आकार आपनारुं महत्वनुं परिबळ छे। आयुर्वेद में पण संतुलित आहार, स्वस्थ आहार अने ऋतु अनुसार आहार की बात करवामां आवी छे। पीएम मोदी 1,00,000 वधु स्वसहाय जूथना सभ्यों ने 380 करोड़ रूपया की प्रारंभिक मूड़ी सहाय वितरण की प्रक्रिया शुरू करी। तेमणे कह्युं स्वाद और टेक्नोलॉजी की भागीदारी एक नवा भविष्य ने जन्म आपशे अने तेनाथी अर्थव्यवस्था ने वेग मळशे। 21मी सदी में खाद्य सुरक्षा ए सौथी मोटा पड़कारोमांनी एक छे। फ्रेंड्स, भारत में जितनी सांस्कृतिक विविधता है उतनी ही खाद्य विविधता, फूड डायवर्सिटी भी है। हमारी ये फूड डायवर्सिटी दुनिया के हर इन्वेस्टर के लिए एक डिविडेंड है। आयुर्वेद में कहा जाता है ऋतभुक् अर्थात सीजन के हिसाब से खान पान, मित भूक अर्थात बैलेंस डाइट, और हित भूक अर्थात हेल्दी फूड। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ना प्रधान राजकुमार आनंद ने त्या ईडीए 22 कलाक सुधी तपास चलावी हती। राजकुमार आनंद ने त्यांथी ईडी ने शू मळ्युं तेनो खुलासो थयो नथी, परंतु ईडी नी आ कार्यवाही पर प्रधान राजकुमार आनंदे प्रतिक्रिया आपता कह्युं कि आ दरोडा तो बहाना छे, लोकोने परेशान करवाना, आ तमाम तपास प्रायोजित होवानो पण दावो करायो। तेवनी मात्र एम ज कहेवायुं हतुं कि उपरथी आदेश मळ्या छे अने तेने लईने तेवो समय पसार करता रह्या। ईडी ने तपास टीमे लागतुं वळगतुं न होय तेवा सवाल करेनो पण राजकुमार आनंदे आक्षेप कर्यो। તેમણે કહ્યું કે ગરીબો માટે રાજનીતિ કરવું પાપ છે અને આપમાં રહેવું જાણે ગુનો બની ગયો છે। ઈડીની ટીમે ગુરુવારે વહેલી સવારે 6:30 થી શુક્રવારે સવાર સુધી તપાસ ચલાવી હતી। બુરી તરહ સે ઇન્હોને તલાશી લી જિસમે ઇનકો કુછ મિલા નહીં ઓર એસા કુછ ભી નહીં હૈ, સિર્ફ યહી હૈ કે યે પ્રાયોજિત થી સારી કી સારી, ઉપર સે આદેશ હૈ, હમે ઉપર સે આદેશ હૈ ઓર ઉસ ચક્કર મે ઇન્હોને टाइम निकालते गए और तमाम तरह के सवाल जिनका हमसे मतलब था या नहीं था वो करते रहे। मुझे लगता है कि इस देश में सच बोलना, इस देश में दलितों की राजनीति करना, इस देश में काम की राजनीति करना, आम आदमी पार्टी में रहना एक गुनाह बन गया है।